हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 22 अगस्त के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है सावन का, तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि, रविवार का दिन है, नक्षत्र धनिष्ठा, योग है शोभन और करण है विष्टि। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो श्रावणी उपाकर्म सावन की पूर्णिमा का आज दिन है और इसी तिथि में रक्षाबंधन का महापर्व, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व जो है वह मनाया जाता है। तो श्रावणी उपाकर्म भी है, रक्षाबंधन भी है, पूर्णिमा का आज दिन है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करने से बचना चाहिए। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, क्रोध करने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको सबको साथ मिला करके लेके चलना चाहिए। अपने खान पान पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, किसी की निंदा करने से आपको बचना होगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सारा काम आपको प्लान बना करके करना चाहिए, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें और मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना होगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। आने वाले समय में आपको गंभीर आर्थिक समस्या की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना होगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें। गणेश चतुर्थशीर्ष का पाठ करें और आत्मविश्वास में आप कमी ना होने दें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें और किसी की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने काम को संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड करने की आवश्यकता है। यदि आपसे आज कोई मदद मांगने आए तो आपको यथासंभव यथासामर्थ्य उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। आज भगवान गणेश की पूजा आराधना करेंगे, गणेश चालीसा या गणेश चतुर्थशीर्ष का पाठ करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। किसी भी दूसरे के वाद विवाद में पड़ने से आज आपको बचना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। आपको कुछ ज्ञान अर्जित करने का आज अवसर प्राप्त होगा। जितने अभी सीखने का, खुद को अपडेट करने का मौका मिले, आपको ज्ञान लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें और भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं अपने जॉब को लेकर के। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको ये जॉब कंटिन्यू करना है, छोड़ देना चाहिए, बिजनेस करें। इस मामले में आज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आत्मसंयम बना करके रखें, वरना बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। अपने मन को आज नियंत्रित रखें। आज गोपाल सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ करें और बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना हो सके अपने आसपास के लोगों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में पड़ करके अपना बहुमूल्य समय आप नष्ट न करें। श्री कृष्ण सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ करें, वाणी पर नियंत्रण आप किसी भी स्थिति में न खोएं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ बनता दिखाई देता है। संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करें और पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आपको बचाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में पंचांग में बताया कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है हम हिंदुओं का, सनातनियों का, जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। इस त्यौहार के माध्यम से हम भाई बहन के रिश्ते को, आपस के संबंध को और मजबूत करते हैं। तो आज मैं आपको रक्षाबंधन से जुड़े हुए कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली टोटके बताने जा रहा हूं, जिन टोटकों को, जिन उपायों को करके भाई बहन दोनों अपनी अपनी उन्नति के लिए, लाभ के लिए ये उपाय कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास आप कर सकते हैं, आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी, देवी देवताओं, ग्रहों की कृपा मिलेगी, नक्षत्रों की कृपा मिलेगी, जिससे आप दोनों की परस्पर उन्नति होती रहेगी। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय।
रक्षाबंधन का पावन पर्व इस बात का शुभ प्रतीक है कि रिश्तों में विश्वास, सम्मान और मिठास बनी रहे। इसी अवसर पर कुछ विशेष पूजन अर्चन भी किया जाता है। कई क्षेत्रों में इस दिन अपने ग्रह दोष निवारण संबंधी उपाय भी किए जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली टोटके जिनसे भाई बहन दोनों का समान रूप से विकास हो सके। जिन व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच का या शत्रु राशि में खराब स्थान पर बैठा हो, वे काले पत्थर के चौकोर टुकड़े पर शनि यंत्र खड़िया से बना करके अपने ऊपर से 8 बार घुमा करके, क्लॉकवाइज घुमा करके किसी कुएं में फेंक दें, फिर उस कुएं का जल कभी भी ग्रहण न करें तो उनको ये चमत्कारी लाभ मिल सकता है। शनि के दोषों से हमेशा के लिए उनको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा, हमेशा के लिए शनि के कष्ट और पीड़ा से उनको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय है कि कांच की एक बोतल में सरसों का तेल भर करके उसे कांच के कंचे से ही बंद करके अपने ऊपर से उतार करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। तीसरा उपाय यह है कि अगर कुंडली में राहु खराब है तो ऐसी स्थिति में 11 नारियल, पानी वाले 11 नारियल ले करके अपने सिर के ऊपर से उतार करके क्लॉकवाइज उसको 7 बार या 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, राहु के कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चौथा उपाय ये कि अगर चंद्रमा खराब है आपकी कुंडली में, चंद्रमा खराब होने की स्थिति में दूध से चंद्र को अर्घ दे करके वहीं बैठ करके ओम सोमेश्वराय नमः का जाप यथाशक्ति करें और दूध का दान अगर आप पूर्णिमा की तिथि में, रक्षाबंधन की तिथि में करें तो आपका कल्याण निश्चित होगा। पांचवा उपाय ये कि जिन्हें काल सर्प योग हो, किसी भी तरीके का काल सर्प योग कुंडली में बन रहा हो, वे पूजन करें तथा चांदी की डिब्बी में शहद भर करके किसी सुनसान स्थान में, वीरान स्थान में गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दें तो आपका कल्याण इससे 100% निश्चित है। किसी भी तरीके का काल सर्प योग होगा वह तुरंत ही शांत हो जाएगा। छठा उपाय यह है कि माता सरस्वती का मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः स्फटिक की माला पर अगर पूर्णिमा की तिथि में यथाशक्ति जाप किया जाए तो चंद्रमा और राहु कितने भी अशुभ स्थिति में रहेंगे उनमें तत्काल आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी। चंद्रमा और राहु के अशुभ दोष जो है तुरंत ही शांत हो जाते हैं। सातवां उपाय यह है कि शत्रु की शांति के लिए हनुमान जी को आपको पूर्णिमा की तिथि में सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ा करके गुड़ का नैवेद्य, गुलाब के पुष्प समर्पित करके उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे आपको फायदा, शत्रु बाधा में विशेष रूप से फायदा तुरंत मिल जाता है। आठवां उपाय है कि ऐसा कोई पौधा जो किसी भी वट वृक्ष के नीचे उग आया हो, घर में उसको लेकर के आए, गमले में उसको लगा दीजिए। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा आपके दुख, दारिद्र, कष्ट, कार्य क्षेत्र में आ रही विघ्न बाधाओं को वो अपने साथ साथ समाप्त कर देगा और जैसे पौधा बड़ा होगा समृद्धि वैसे वैसे आपके घर में आने लग जाएगी। नौवां उपाय यह है कि अगर किसी भी तरीके का नजर दोष हो तो फिटकरी का टुकड़ा नजर लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से उतार करके अगर आप चूल्हे में जला दें तो दोष जो है तत्काल प्रभाव से शांत हो जाता है। दसवां उपाय यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है और नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में सूखे कपूर से आपको काजल पार लेना है, सूखा कपूर जला दीजिए और उसके ऊपर कुछ बर्तन रख करके उसकी जो लौ होती है उससे राख जो निकलेगी वो काजल उससे बन जाएगा तथा एक कागज पर उस काजल से उस व्यक्ति का नाम लिख करके भारी पत्थर के नीचे दबा दें, आपको तत्काल प्रभाव से इसका चमत्कार दिख जाएगा, आपका पैसा जल्दी ही वापसी के योग बनने लगेंगे। ग्यारहवां उपाय ये कि यदि घर में आए दिन दुर्घटना होती है तो काली या महाकाली यंत्र को घर में छुपा करके स्थापित कर दें, प्राण प्रतिष्ठा करा करके काली यंत्र या महाकाली यंत्र की स्थापना कर दें। किसी भी तरीके की दुर्घटना से अगर कोई अचानक चोरी वगैरह के योग घर में बनते हैं या पहले कोई ऐसा इतिहास रहा है, मेरे पास ऐसे भी लोग आए जिनके घर में 3-4 साल में लगातार 3-4 बार भीषण चोरी हो गई, तो इस तरीके की किसी भी कष्ट से फिर आपकी सुरक्षा हो जाएगी, जो भी अकारण नुकसान होता है उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। 12वां उपाय उन लोगों के लिए जिनका विवाह ना हो पा रहा हो, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, जिनका विवाह ना हो पा रहा हो, पुराना ताला जो खुला हो तथा खराब भी ना हो, चाबी अपने पास उसको आप रख लें और अपने ऊपर से उतार करके रात में चौराहे पर आप फेंक दें, पलट करके उसको न देखें आप घर चले आए, तो इस उपाय को करने के बाद पूर्णिमा की रात में जब आप इस उपाय को करेंगे तो विवाह आदि के योग आपके लिए बनने लगते हैं।
13वां उपाय ये कि बीमारी अगर ठीक ना हो रही हो, कोई असाध्य बीमारी हो गई हो, कोई गंभीर बीमारी हो गई हो जिसमें दवा काम ना कर रही हो, आप इलाज करा रहे हैं फिर भी राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में पूर्णिमा की रात में कुछ हलवा पत्तल पर रख करके रोगी के ऊपर से 11 बार उतार करके किसी चौराहे पर आप रख करके चले आएँ, या रात्रि में एक दिन पहले कोई सिक्का रोगी के सिराने रख दें और सुबह उस सिक्के को शमशान में फेंक दें, तो आपको उससे रोग इत्यादि से मुक्ति मिल जाती है। तो इसमें दो उपाय हैं, एक तो हलवे का उपाय है जो रोगी के ऊपर से 11 बार उतार करके चौराहे पर रख करके आना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, या एक रात पहले कोई सिक्का रख दीजिए और पूर्णिमा के दिन जो है उस सिक्के को ले जा करके शमशान में फेंक दीजिए, पलट करके मत देखिए, वापस घर चले आइए, घर में घुसने से पहले हाथ पाँव धो लीजिए, तो किसी भी तरीके का रोग होगा उससे आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।